समीका हेयर। आज मैं अपने वीडियो में रेस्पिरेशन डिफाइन करूँगी फ्रॉक की, उसकी टाइप्स और लंग्स का स्ट्रक्चर भी। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं या जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर फ्रॉक को देखते हुए होते हैं। मतलब कि जो साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनका ये कहना होता है कि फ्रॉक का रेस्पिरेशन और इंसान का रेस्पिरेशन, फ्रॉक का सर्कुलेटरी सिस्टम और इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम एक जैसा होता है। ह्यूमन बीइंग्स का जो सिस्टम्स होते हैं वो फ्रॉक से रिजेंबल करते हैं। इस तरह जो डॉक्टर्स कहते हैं वो फ्रॉक पर स्टडी करके उनके सारे सिस्टम्स को पढ़कर, क्योंकि फ्रॉक्स को स्टडी करना आसान होता है, उसे काट के हम कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी इंसान को काट के उसका कुछ भी कर लें। तो इसलिए किसी भी फ्रॉक को काट कर हम उसके रेस्पिरेशन पर, उसकी सर्कुलेटरी पर, उसके हार्ट पर, उसकी डाइजेस्टिव पर, सब पर हम स्टडी आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रेस्पिरेशन है फ्रॉक की, जो ह्यूमन बींग से रिजेंबल करती है। लेकिन यहाँ पे फ्रॉक की रेस्पिरेशन में टाइप्स होती हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स की रेस्पिरेशन में टाइप्स नहीं होती। ह्यूमन बींग्स एक ही तरह से रेस्पायर करते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज, एज अ रिजल्ट एनर्जी इज रिलीज वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स एज प्रोडक्ट। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होते हैं बॉडी से। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, थ्री टाइप्स है रेस्पिरेशन की जो फ्रॉग्स में पाई जाती हैं। सबसे पहली टाइप है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दूसरी टाइप है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और तीसरी टाइप है बक्कल रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के ज़रिए से होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के ज़रिए से होती है और बक्कल रेस्पिरेशन माउथ के ज़रिए से होती है फ्रॉग के। सो पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के ज़रिए से होती है, तो द गैसियस एक्सचेंज विच टेक प्लेस इन लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। गैसेस का एक्सचेंज जो लंग्स से हो, लंग्स के अंदर हो, तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एयर इज टेकन बाय एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। रेस्पिरेशन के दौरान एयर जो होती है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से अंदर जाती है। एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स बेसिकली टू ओपनिंग्स होती हैं नोज़ की, जिसे नोस्ट्रल्स कहते हैं, और वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल होते हैं। जो बाहर वाली ओपनिंग होती है नोज़ की वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होते हैं, और एक नोस्ट्रल जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, जिन्हें इंटरनल नोस्ट्रल्स कहा जाता है। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से जो एयर होती है वो पास होती है रेस्पिरेशन में, इट पासिस इनटू द बक्कल कैविटी थ्रू द इंटरनल नोस्ट्रल्स, उसके बाद बक्कल कैविटी में इंटरनल नोस्ट्रल्स के ज़रिए से जाती है। फ्रॉम हेयर इट एंटर्स द ग्लॉटिस। इंटरनल नोस्ट्रल से बक्कल कैविटी में से ग्लॉटिस में, उसके बाद लैरिंक्स में, और फिर ब्रोंकाई से फाइनली लंग्स में पहुंच जाती है, जो हवा होती है रेस्पिरेशन में। जैसे कि ऊपर आपको ग्लॉटिस नज़र आ रहा होगा, ये स्मॉल ओपनिंग होती है लंग्स के ऊपर, जिसे हम यहाँ पे ग्लॉटिस कहते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है वो इसका लैरिंक्स होता है, और ब्रोंकस किसी भी लंग्स के स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है, जहाँ से लंग्स स्टार्ट हो रहे होते हैं, जहाँ पे अंदर जो है वेंस नज़र आ रही होती हैं, वहाँ वो पार्ट जो होता है वो ब्रोंकस कहलाता है। तो ब्रोंकाई से जब लंग्स में एयर आती है, तो इन द लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड टेक प्लेस। लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है एयर और ब्लड के दरमियान, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है एयर और ब्लड के दरमियान, जो कि ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। ऑक्सीजन जो होता है वो ले लेता है, ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो गिवन आउट कर देता है, विच लीव्स द बॉडी थ्रू द सेम रूट। और इसी तरह से जिस तरह से वो एयर जो रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल नोस्ट्रल से, इंटरनल नोस्ट्रल्स के बाद, बक्कल कैविटी के बाद, ग्लॉटिस के बाद, लैरिंक्स के बाद, ब्रोंकाई के बाद जब लंग्स में पहुंची, तो इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इसी तरह वापस चले जाएगी। पहले वो ब्रोंकाई में जाएगी, फिर लैरिंक्स में जाएगी, उसके बाद ग्लॉटिस में, फिर इंटरनल नोस्ट्रल से बक्कल कैविटी में, और फिर बक्कल कैविटी से एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स में। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो लीव हो जाएगी बॉडी के अंदर से, जो जिसकी बॉडी को कोई भी ज़रूरत नहीं है।
पल्मोनरी रेस्पायरेशन के बाद क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होती है जो स्किन के जरिए से होती है। द रेस्पायरेशन विच टेक प्लेस बाय मीन ऑफ स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। वो रेस्पायरेशन जो स्किन से करते हैं फ्रॉग्स वो क्यूटेनियस ऐसी रेस्पायरेशन क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहलाती है। फ्रॉग यूजेस स्किन एज अ रेस्पायरेटरी ऑर्गन। इस रेस्पायरेशन में फ्रॉग स्किन को यूज़ करता है एज अ रेस्पायरेटरी ऑर्गन में ड्यूरिंग स्विमिंग एंड हाइबरनेशन। जब वो स्विमिंग कर रहा होता है, जब वो पानी के अंदर होता है, तब वो लंग्स से रेस्पायर नहीं करता है, तब वो अपनी स्किन से रेस्पायर करता है। और जब वो हाइबरनेशन के प्रोसेस में होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू ब्लड थ्रू स्किन। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, मतलब कि फैल जाती है थ्रू स्किन, स्किन के जरिए। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज से स्किन में से डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी स्किन से ही डिफ्यूज़ कर रही होती है और ऑक्सीजन भी स्किन में ही डिफ्यूज़ होकर ब्लड में डिफ्यूज़ होती है। तो ये प्रोसेस होता है पानी के अंदर। जब फ्रॉग जो होते हैं स्विमिंग कर रहे होते हैं, तब वो अपने लंग्स को यूज़ नहीं कर रहे होते एज अ रेस्पायरेशन, जब वो अपनी स्किन को यूज़ कर रहे होते हैं रेस्पायरेट एज अ रेस्पायरेटरी ऑर्गन, और उसमें ऑक्सीजन भी डिफ्यूज़ हो रही होती है और स्किन में से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो रही होती है। सब प्रोसेस वैसे ही चल रहा होता है, बस इसका जो है वो जो टाइप है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट टाइप है इसकी बकल रेस्पायरेशन। द रेस्पायरेशन विच अकर्स थ्रू द लाइनिंग ऑफ अ बक्कल कैविटी इज नोन एज अ बक्कल रेस्पायरेशन। द रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन जो अकर होती है लाइनिंग ऑफ अ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब के माउथ, जो फ्रॉग का माउथ होता है उसके ज़रिए से जो रेस्पायरेशन होती है वो बक्कल रेस्पायरेशन कहलाती है। द लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी इज थिन। जो बक्कल कैविटी की लाइनिंग होती है वो थिन होती है। मॉइस्ट मतलब कि थोड़ी गीली टाइप होती है, चिकनी टाइप होती है। एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, और वो उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड वेसल्स। उन ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से ही गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है एयर और ब्लड वेसल्स के दरमियान। जो गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है वो ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से होता है। ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं।